नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग समझेंगे आज की रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें हम लोग समझेंगे इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को, रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों बनाया जाता है, इसके उद्देश्य को और इसके उपयोग यानी महत्व को, और इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं यानी लिमिटेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, जिसको हम लोग डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, समझें और जानें। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा वित्तीय विवरण है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी समयावधि के दौरान किसी व्यवसाय से संबंधित रोकड़ यानी कैश के आवागमन यानी इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रदर्शित करता है। यानी जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है यह क्या है, सबसे पहली बात तो यह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी वित्तीय विवरण है। जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसमें बैलेंस शीट आता है, पीएल अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, कोई भी रिटेन अर्निंग है उसका जो भी स्टेटमेंट आता है, तो इन तमाम तरह के स्टेटमेंट को मिला करके हम लोग कहते हैं कि यह सारे के सारे क्या हैं, यह सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है अभी क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो जब कभी भी रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की जाती है तो कहा जाता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी समयावधि यानी किसी भी टाइम इंटरवल में उसके दौरान किसी व्यवसाय से संबंधित यानी किसी भी बिजनेस में जो भी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो होता है यानी कितना कैश आया और कितना कैश गया बिजनेस से, इसी को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण होता है यह कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरे शब्दों में रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो रोकड़ के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तन को स्पष्ट करता है। और यहाँ पर बात तो घुमा करके कहा गया है कि जो भी रोकड़ प्रवाह विवरण है एक ऐसा विवरण है यानी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें रोकड़ के आधार पर जो भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति है उसमें कौन कौन से फ्लक्चुएशन हुए हैं, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, उसी को बताने वाला विवरण क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण है। हम बात करते हैं परिभाषा की, रोकड़ प्रवाह विवरण की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें एक परिभाषा दी गई है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट के द्वारा। यहाँ पर कहा गया है कि किसी दी हुई अवधि में रोकड़ की आवश्यकताओं यानी क्या नीड्स है कैश का निर्धारण यानी कितनी आवश्यकता है कैश की एवं उनकी पर्याप्त व्यवस्था को करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बनाए गए रोकड़ के स्रोत यानी कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है कंपनी के पास, बिजनेस के पास, तो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं जहाँ जहाँ से कैश आ सकता है बिजनेस के पास, एवं उनके उपयोग से बनाया गया विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। और पहली बात तो कि सारे के सारे कैश कहाँ कहाँ से आएंगे उनकी सूची है, और उसके बाद से वे सारे के सारे कैश जो आ रहे हैं वे कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे, इसी को कहा जाता है, इसी से बना विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। यह बात बताता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। आगे हम बात करते हैं तो कहा गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, आखिर कारण क्या है, कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के चलती है। पहला रीजन है कि व्यवसाय के परिचालन यानी ऑपरेटिंग, विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट्स एवं वित्तीय यानी फाइनेंशियल क्रियाओं से संबंधित नकद यानी कैश या नकदी के समान स्रोतों यानी यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो भी कैश के समान जो भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जैसे कैश हो गया, जैसे चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश इक्विवेलेंट्स की प्राप्तियों का पता लगाना यानी अगर व्यवसाय को पता लगाना है कि व्यवसाय के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट्स
और जो भी फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, जो भी ये सभी क्रियाएं हैं, इनसे संबंधित जो भी कैश हैं उनकी प्राप्तियां कहां से हो रही हैं, या फिर जो भी कैश इक्विलेंट्स हैं जो मैंने बताया हुआ है चेक वगैरह के बारे में, वे कहां कहां से आ रहे हैं, तो इसको पता लगाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा। दूसरा है व्यवसाय के परिचालन यानी ऑपरेटिंग, विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट एवं वित्तीय यानी फाइनेंशियल क्रियाओं से संबंधित नकद या नकदी के समान के विनियोजन या उपयोग यानी भुगतानों का पता लगाना, यानी कहां कहां पे जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए, वे जो भी ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंशियल क्रियाओं में कहां कहां लग रहे हैं, इनकी बात, इनको पता करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तीसरा है व्यवसाय के नकद या नकदी के समान यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हुए कुल अंतर का पता लगाना, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या हुआ है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस को पता करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। चौथा और अंतिम है कि उन महत्वपूर्ण क्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनकी वजह से किसी निश्चित समयावधि में संपूर्ण रोकड़ शेष यानी कैश बैलेंस पर असर पड़ता है। वे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं जिनकी वजह से कैश फ्लो पर क्या पड़ता है, असर पड़ सकता है, उन्हीं बातों को, उन्हीं क्रियाओं को पता लगाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोग और महत्व कौन कौन से हो सकते हैं, यानी यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसमें हमारे पास 9 बातें कही गई हैं। पहला है अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में सहायक यानी यूजफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जो भी इस कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा है रोकड़ बजट बनाने में सहायक यानी यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। जो भी कैश बजट बनता है उसको बनाने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। यहाँ पर कैश बजट क्या होता है उसको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाकर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा है प्रबंध में सहायक यानी यूजफुल इन मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट में भी सहायक होता है। चौथा है दायित्व शोधन क्षमता की जानकारी यानी नॉलेज अबाउट लाइबिलिटी रिडेम्पशन कैपेसिटी। किसी भी बिजनेस की जो भी लाइबिलिटी रिडेम्पशन कैपेसिटी है उसका पता लगाने के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है या एक महत्व है। पांचवा है लाभांश वितरण निर्णयन में सहायक यानी हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। किस तरीके से कितना डिविडेंड दिया जाएगा उसके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। छठवां है महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी यानी नॉलेज अबाउट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं इसकी जानकारी करने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। सातवां है नीति निर्धारण में सहायक यानी हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी है इसके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी होता है। आठवां है वित्तीय नीतियों एवं वर्तमान रोकड़ स्थिति में मूल्यांकन में सहायक यानी हेल्पफुल इन द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्रेजेंट कैश पोजिशंस। नौवां है और अंतिम है कि बाह्य पक्षों के लिए उपयोगी, हेल्पफुल टू आउटसाइडर्स, जो भी क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक के लिए भी। अगला हमारा अंतिम है कि रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं कौन कौन सी हो सकती हैं यानी कमियां कौन कौन सी हो सकती हैं, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कुल 5 बातें बताई गई हैं। पहला है आय व्यय विवरण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, नो सब्स्टिट्यूट्स फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। भाई साहब अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है ना तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिए तो हमको अब इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, यह इसकी कमी है। दूसरा है तरलता को आंकने में उपयुक्त नहीं, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। यहाँ पर लिक्विड एसेट्स वगैरह होते हैं लेकिन फिर भी हम लोग सही तरीके से लिक्विडिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सही तरीके से हम लोग लिक्विड को जज नहीं कर सकते हैं, लिक्विडिटी को जज नहीं कर सकते किसी भी कंपनी के। तीसरा है ऊपरी दिखावे की संभावना यानी पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। चौथा है यह गैर रोकड़ लेन देन का अवरोध करता है, इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं यानी डोनेशन हो गया तो इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे लिया ही नहीं जाता है।
पांचवा है हिस्टोरिकल इन नेचर यानी ऐतिहासिक प्रकृति का, जो भी पीछे हमारे पास डेटा रहते हैं उन्हीं डेटा को लेकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, आगे का कोई भी पूर्वानुमान इसमें नहीं किया जा सकता कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।